सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ सिंह एंड यू आर वाचिंग किंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रियलमी C3 के न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में जानेंगे। जी हां फ्रेंड्स, रियलमी C3 में जो है एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट है शायद अक्टूबर मंथ में ही आने वाला था, बट ये आ नहीं पाया शायद किसी कारण से। तो ये जो अपडेट है ना, अब तो नवंबर आ चुका है, तो ये आज सुबह ही मुझे ये अपडेट मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम इस अपडेट को कैसे कर सकते हैं और इस अपडेट में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप वीडियो देख सकें सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता ही फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो साइज़ है वो 319 MB का ही है, जो कि ज़्यादा नहीं है, कुछ एवरेज साइज़ है, मैं इसको ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। तो 319 MB का ये साइज़ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं ये हर वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर आप इसे अपडेट कर रहे हो तो आपका फ़ोन मिनिमम 50% चार्ज होना चाहिए, प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ सकती हैं, आपका फ़ोन जो है रिबूट लूप में जा करके स्टक हो सकता है। सो अगर आप इसे अपडेट कर रहे हो तो आपका फ़ोन मिनिमम 50% चार्ज होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या क्या नए चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहला तो फ्रेंड्स, यहाँ पे से एक सिक्योरिटी पैच दिया जा रहा है। तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है, और अगर इसके पहले फीचर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर दिया जा रहा है फिक्स्ड द नॉइज़ इशू वाइल गेमिंग। तो जब आप हम यहाँ पे गेमिंग वगैरह करते थे तो कुछ यहाँ पे नॉइज़ जो होता था वो आप इस अपडेट के बाद हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो फिक्स्ड द प्रोबेबिलिस्टिक ब्लैक स्क्रीन इशू आफ्टर ईयरफोन ब्लूटूथ वेयर कनेक्टेड। तो यहाँ पे जब हम ईयरफोन ब्लूटूथ को जब यहाँ पे कनेक्ट करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ स्क्रीन में कुछ ब्लैक ऐसा कुछ हो जाता था, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिलती थी, बग्स। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे ठीक किया गया है। और अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें स्लो मोशन का भी फीचर ऐड किया गया है फोटोज़ और वीडियोज़ में। अब इसमें हम स्लो मोशन का को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इसमें कि इस, तो इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये थोड़ा बेहतर फीचर यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे तीन ही फीचर्स फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सभी को यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।